हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू इंडियन डिफेंस नॉलेज। दाऊद इब्राहिम का भतीजा सोहेल कासकर ना जाने कैसे भागकर आ गया है पाकिस्तान और वो आया है दुबई के जरिए पाकिस्तान और अब ये यहाँ पर कम्प्लीटली सेफ है। बहुत लोगों को ये गलत फहमी भी हो गई थी कि सोहेल इंडिया से भागकर पाकिस्तान चला गया है, तो मैं यहाँ बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब बात करते हैं कि सोहेल आखिर पाकिस्तान जब पहुँचा तो उसका पता कैसे चला है भारत को। तो हुआ कुछ ऐसा कि मुंबई पुलिस कुछ फ़ोन कॉल्स इंटरसेप्ट कर रही थी, जिसके बाद उन्हें यह अंदाज़ा हुआ कि शायद सोहेल अब पाकिस्तान में है। उसके बाद पुलिस ने एक बार अमेरिकी एजेंसी से पूछकर कंफर्म कर लिया कि यह न्यूज़ सच है कि नहीं, जिसके बाद ये पता लगा कि हाँ ये न्यूज़ सच है और वो दुबई होते हुए अमेरिका से पाकिस्तान जा पहुँचा है। आगे आपको ये बताऊँगा कि सोहेल आखिर है कौन। सोहेल US में नारकोटिक्स के केस में जेल में था और ना जाने कैसे तुरंत उसके सज़ा ख़त्म हो जाती है और वो जेल से निकल के भाग जाता है और उसके बाद वो सभी सिक्योरिटी एजेंसीज को बेवकूफ़ बनाकर और चकमा देकर ना जाने कैसे दुबई भाग जाता है। हालांकि US की ये पुरानी आदत है कि जब भारत को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है US की टेररिस्ट के मामले में या कोई हेल्प के मामले में, तब ही एकदम ऐन मौके में US कुछ न कुछ बहाना करके मुंह मोड़ लेता है इंडिया के साथ और इंडिया का साथ नहीं देता है। अगर सोहेल मुंबई पुलिस के हाथ लग जाता तो डी कंपनी के बारे और भी बहुत सारी जानकारी हाथ आ जाती भारत के। अब आपको बताता हूँ सोहेल की डिटेल्स के बारे में। दाऊद के भाई जिसका नाम नूरा है, उसका बेटा है सोहेल। 2010 में ये मर गया था पाकिस्तान में किडनी फेलियर के चलते। 1993 में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, उसके कुछ दिन पहले ही ये दाऊद और काफ़ी सारे इनके साथी पाकिस्तान भाग गए थे। फिर बहुत ही दिनों बाद तक इसे देखा ही नहीं गया। फिर अचानक से सोहेल को स्पेन में गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वो वहाँ पे इलीगल ड्रग्स बेच रहा था और नारकोटिक्स के हिस्से में स्पेनिश प्रिजन्स में रखा गया उसे। जैसे ही US को पता चला कि सोहेल अरेस्ट हो गया है, तो एक्स्ट्राडिशन TT के अनुसार सोहेल को US ने अपने यहाँ बुलवा लिया और यहाँ जेल में रखा। सोहेल पर मुकदमा चलाया और मुकदमे के तहत उसे 35 साल की सज़ा सुनाई गई US में। उसके खिलाफ वहाँ पर भी बहुत सारे आरोप लगे हुए थे, जहाँ उस पर नारकोटिक्स और नार्को टेररिज्म का केस लगाया गया था। मुंबई पुलिस ने फिर उससे बात करके सोहेल को सीधा इंडिया ले आने की बात की, मगर जैसा आप सब जानते हैं US ने हाँ ना करके इंडिया को बोलते बोलते आखिर में ये बात टाल ही दी। मुंबई पुलिस ने फिर US से बात की कि वो सोहेल को सीधा इंडिया ला पाए ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, जिसके तहत अगर कोई आतंकवादी से रिलेटेड आदमी या कोई आतंकवादी होता है तो उसे US और इंडिया के बीच में काफ़ी जल्दी एक्सट्राडेट किया जा सके। मगर इस ट्रीटी को इंडिया कभी कुछ खास फ़ायदा उठा नहीं सका, ना हमें ऐसा कभी कुछ देखने मिला। जैसे कि इस केस में पुलिस ने US से रिक्वेस्ट तो की, मगर US से कोई खास आंसर आया नहीं और टाइम बीतता गया और अब आप सब देख ही सकते हैं कि सोहेल हाथ से निकल गया है और इंडिया और US के। यहाँ पर US को क्रिटिसिज्म तो है ही, मगर यहाँ पर इंडिया को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उन्होंने थोड़ा सा और सिंसियरली US को चेस करना चाहिए था, ताकि अगर वो US के पीछे बार बार लगे रहते तो जैसे ही सोहेल की जो जेल की टाइम है वो ख़त्म होती तो वो शायद उसे एक्सट्राडाइट कर सकते, क्योंकि अब ये बात एकदम साफ हो गई है कि US सिर्फ म्यूचुअल असिस्टेंस ट्रीटी को मजाक के तौर पर लेता है और बस बड़े बड़ी बातें करता है टेररिज्म को लड़ने के लिए, मगर वो कुछ भी एफर्ट दिखाता नहीं है अपने तरफ से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।